आउटस्पोकन हूँ, आई होप इतना नहीं हूँ, बट जो उसकी वैल्यूज है, जो फैमिली के लिए काम करता है, फैमिली को बहुत प्यार करता है, अपने काम को बहुत वैल्यू करता है, दैट आई रिलेट. नरेशन काफ़ी लंबा था, आई थिंक 20-30 एपिसोड का तो नरेशन था, एंड मेरे मोस्टली सेंटर्ड अराउंड माई कैरेक्टर, और जितना मैंने सुना आई उस टाइम मेरे समझ में आ गया था कि दिस इज समथिंग दैट जो मैं ढूंढ रहा था कि उसमें शेड हो, सिर्फ गुड गाय ना हो, सिर्फ बैड गाय ना हो, काफ़ी कुछ है इसमें प्ले करने को, सो दैट वॉज वेरी एक्साइटिंग. हर एपिसोड में कुछ नया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारे मूवीज होंगे जो आई एम श्योर ऑडियंस भी रिलेट कर पाएंगे. मतलब इट इज़ अ सिंपल लव स्टोरी, बट इट इज़ जो तरीका है उसको बताने का, जो हमारे कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत जरूरी पार्ट है शो का, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मैं प्ले कर रहा हूँ शिव धूमर, जो दिल्ली के एक झूठा है, एंड उन्होंने अपनी मेहनत से एक अपनी फैसला प्रॉपर्टी खोली है, बहुत हम्बल फीलिंग से आते हैं जैसे संदीप सर ने कहा, और उनके लिए अपनी फैमिली और ये जो सक्सेस है ये बहुत जरूरी है. तनीषा बहुत सारे काम कर चुकी है, एक दिन में भी बहुत सारे काम कर चुकी है, तो वो मेरे लिए बहुत इजी था. काम करने वाला जो मल्टीटास्किंग नेचर है, तो मैं नहीं